नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण जुनेजा है और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्दी चाचा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में कहीं ना कहीं शामिल है और हम रोजाना उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से हम अपने ऑफिस में, ज़्यादातर ये मल्टीनेशनल कंपनीज में इस्तेमाल होता है, कहीं शादी में, किसी फंक्शन में, किसी रेस्टोरेंट में या किसी फूड स्टॉल पे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है। आज हम बात करेंगे डिस्पोजेबल के बारे में। हम डिस्पोजेबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। डिस्पोजेबल का इस्तेमाल चाय पीने के लिए होता है, कॉफ़ी पीने के लिए होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए होता है। आजकल तो बहुत सारे लोग नारियल पानी भी डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के पीने लग गए हैं। उसके अलावा आप कहीं भी कोई चाट पकौड़ी खाते हैं वो आपको डिस्पोजेबल में मिलने लगा है, कुछ आप कहीं खाना खा रहे हैं वो आपको डिस्पोजेबल में मिलने लगा है। अब डिस्पोजेबल ना कई तरह के हमारे पास अवेलेबल है। कुछ डिस्पोजेबल ऐसे हैं जो प्लास्टिक के उस फॉर्म में अवेलेबल है, प्लास्टिक के ग्लास जिसमें आप चाय पीते हैं, प्लास्टिक के ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, प्लास्टिक की प्लेट जिसमें आप स्वीट डिश खा लेते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं, आपको खाना भी प्लास्टिक की प्लेट में कई जगह परोसा जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है पेपर ग्लास का। पेपर ग्लास अक्सर चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है थर्मोकोल का। थर्मोकोल के ग्लासेस भी अवेलेबल हैं, उनके बाउल्स भी अवेलेबल हैं, उनकी प्लेट्स भी अवेलेबल हैं, तो लोग उसमें चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, जूसेस भी पी रहे हैं, उसके अलावा चाट पकौड़ी भी खा रहे हैं और उसके अलावा उसमें कुछ गर्म सब्जियां भी डाल के खा रहे हैं अगर आप कहीं बाहर खाना खाने के लिए कहें। और थर्मोकोल की प्लेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, आपके घर में कुछ फंक्शन होता है, लंगर होता है, आप इन सब जगह जो है प्लास्टिक और थर्मोकोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हमारे पास इसका एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है, वो है पेड़ के नेचुरल पत्तों से बने हुए डिस्पोजेबल्स। उसके दोने भी आपको मिल जाएंगे, प्लेटें भी मिल जाएंगी, पत्तल भी मिल जाएंगे, लेकिन उनके ग्लास नहीं मिलते हैं। दोस्तों, जो प्लास्टिक के ग्लास हैं या पेपर के ग्लास हैं या थर्मोकोल के ग्लास हैं, अगर आप इसमें किसी भी तरह का गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इनको इस्तेमाल करने से न जाने कितनी तरह के कैंसर जो हैं पैदा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जब हम प्लास्टिक के ग्लास में कोई भी गर्म पेय पदार्थ डालते हैं तो जब भी कोई गर्म चीज़ जाती तो प्लास्टिक में एक केमिकल रिएक्शन होता है और अल्टीमेटली वो जो केमिकल रिएक्शन है वो आपके उस फूड प्रोडक्ट में, जो भी लिक्विड आप पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी जो उसमें डाल के पी रहे हैं, उसमें आ जाता है और अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में चला जाता है। अगर हम पेपर ग्लास की बात करें, पेपर ग्लासेस में अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादातर ये मल्टीनेशनल कंपनीज में या कॉफ़ी की मशीन्स में, स्टॉल्स में, एग्जीबिशंस में आपको अक्सर वो पेपर ग्लास इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो पेपर ग्लास में जब आप किसी भी तरह का गर्म पेय पदार्थ डालते हैं तो उसमें ना एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक की कोटिंग कुछ हद तक डाइल्यूट होके और वो आपके उस पेय पदार्थ के साथ आपके शरीर में चली जाती है। उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का पेट अपसेट हो रहा है, लोगों को पेट में दर्द रहने लगा है। इसके अलावा हमारे पास एक ग्लास और अवेलेबल है, वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल के ग्लास, कटोरी ये भी आज बहुत फैशन में है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मोकोल जिस तरह का हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज किया हुआ नहीं है। इसीलिए उस ग्लास के अंदर हम किसी भी तरह का जब गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस उस पेय पदार्थ के अंदर शामिल होने के साथ साथ आपकी बॉडी में जाते हैं और उसके आपकी बॉडी के ऊपर बहुत तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें कैंसर होना सबसे बड़ी समस्या है, हार्ट अटैक होना दूसरी समस्या है। इसके अलावा हम डिस्पोजेबल और कहाँ यूज करते हैं, लंगर्स में। अपने घर में कोई फंक्शन भी आजकल करते हैं ना, तो एक ना बला टालने के लिए कि यार इतने गेस्ट आएंगे या 20 लोगों को डिनर पे इनवाइट किया तो यार हमने क्रॉकरी निकालेंगे, साफ का करेंगे नहीं करेंगे, कल काम वाली आएगी नहीं आएगी, तो भैया बाजार से हम डिस्पोजेबल खरीद लाते हैं और उसी डिस्पोजेबल में हम सर्व कर देते हैं। एक तरफ तो हम
अपने घर में मेहमानों को बुला के अतिथि देवो भव की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनको जहर पे परोस देते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह के डिस्पोजल्स को अपनी जिंदगी से निकाल दें। ये डिस्पोजेबल कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप डिस्पोजेबल यूज ही करना चाहते हैं तो पत्ते के बने हुए पत्तल और पत्ते के बने हुए दोनों आप इस्तेमाल करें। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला, यार हमारी कंपनी में ना अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, उनके ना पेट में दर्द रहता है, स्टमक बहुत अपसेट रहता है, तो ऐसा क्यों है? तो मैं उनके ऑफिस गया और सबसे पहले मेरा उनका टारगेट था कैफेटेरिया। मैं उनके कैफेटेरिया में गया, कॉफ़ी मशीन देखी, चेक की, और मैंने उनको बता दिया कि जो आप पेपर के ग्लास यूज़ कर रहे हैं ना, और ये प्लास्टिक के ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, है ये थर्मोकोल के, उन्होंने तो तीन तरह के ग्लास रखे हुए थे अपने कैफेटेरिया में, पेपर ग्लास भी है, प्लास्टिक का ग्लास भी है, थर्मोकोल भी रखा हुआ है, सारी वेरायटी अवेलेबल है। कुछ लोग उसमें पानी पी रहे हैं, कुछ चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, इसको यहाँ से हटा दो, ये सारा डिस्पोजेबल आप यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे ना आप कुछ क्रॉकरी रखो, क्योंकि जितने पैसे आप डिस्पोजेबल में खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में एक मैन पावर रखिए। और चीनी मिट्टी के जो कप हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो कप यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू करिए। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि मेरा हाइजेनिक का इशू है तो उन सब लोगों को एक कॉफ़ी मग इशू कर दीजिए, या उनको बोलिए अपने अपने कॉफ़ी मग लें। दोस्तों, आप यकीन मानिए, 2 महीने में इतने पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए, जहां 100 में से 90 लोग, 80 लोग बोलते थे कि हमारे स्टमक में प्रॉब्लम है, वहीं पे वो प्रॉब्लम मात्र 10% रह गई, 2 महीने में। तो दोस्तों, डिस्पोजेबल जो है ना, आप वो कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं, आप फैशन की आड़ में कभी हाइजीन के नाम पे उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान कर रहा है। तो दोस्तों, इससे अपना नाता तोड़िए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हों। थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम।